बहुत सारे यहाँ पर तारे इकट्ठा हैं और उन तारों में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो चांद बनकर जगमगा रही हैं। आज उर्दू गगन संस्था और बाइकला फर्स्ट की जानिब से उनका एहसास किया जाना है। उन्हीं में एक शख्सियत है मोहतरमा यामिनी यशवंत जाधव मैडम की, जो बाइकला फर्स्ट की, जो बाइकला खत्ते की आमदार हैं, एमएलए हैं और हमारी आवाज़ को ऐवानों तक बुलंद रखने की ताकत रखती हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि एजाज़ के लिए कुछ बातों का होना ज़रूरी होता है और ये हमारे लिए इंतहाई खुशी और मुसर्रत की बात है कि जिस उर्दू घर की तामीर का ख्वाब हम देख रहे थे वो 70 सालों से वो ख्वाब पूरा ना हो सका, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों में मोहतरमा यामिनी यशवंत यादव मैडम ने वो काम कर दिखाया और उनके शौहर यशवंत यादव, जो कि बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने उर्दू लर्निंग सेंटर के नाम से एक जगह मंजूर कर ली और आज उस जगह उर्दू लर्निंग सेंटर का बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस बात पर आप सबकी जानिब से उनका भरपूर इफ्तिताह होना चाहिए। यामिनी यशवंत यादव मैडम, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस किन किन के लिए क्या क्या काम उनके ज़रिए किए जा रहे हैं। उनमें एक हम लोग भी हैं जिनके लिए वो हमा वक्त हमा तन मसरूफ़ रहती हैं और हमारे लिए हर काम को आगे बढ़कर करने के लिए तैयार हैं। खुशी की बात यह है कि उर्दू से ऐसी मोहब्बत है कि इस मोहब्बत की बिना पर उन्होंने शायरी भी शुरू कर दी है। ज़बरदस्त तालियाँ होना चाहिए इस बात पर। और बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं। आज के इस बज़्म में हम उनका एजाज़ करते हुए खुशी महसूस करते हैं। मैं इस मौके पर उर्दू गगन संस्था के सदर जनाबे मुशीर अहमद अंसारी साहब से और आज की इस बज़्म के नौशा जनाबे सतलज राहत साहब से गुजारिश करता हूं कि मोहतरमा का एजाज़ करें, इस्तकबाल करें। फिरोज़ भाई से, जो कि हम मुशीर अंसारी साहब के शाना बशाना इस इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि उनका एजाज़ करें। इसी इलाके की, जहां प्रोग्राम हो रहा है, बाइकला के इलाके की ही एमएलए हैं, यहीं की आमदार हैं और आपके लिए हमा वक्त ये खिदमत के लिए तैयार रहती हैं। आज उनका एजाज़ करते हुए हम खुशी महसूस कर रहे हैं। ये एजाज़, ये इस्तकबाल उनके उन कामों के बदले में, उन आमाल के बदले में जो उन्होंने हमारे साथ किया है। अब मैं अगर आपको दो शेर सुनाऊं बशीर बद्र साहब के और इन्हीं को आवाज़ दूं कि वो अपनी शायरी भी इस वक्त पेश करें, तो बेजाना होगा कि चमकती धूप घनी चांदनी सी होती है, चमकती धूप घनी चांदनी सी होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है और गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। मैं यामिनी यशवंत यादव मैडम से ही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर अपने हिस्से अपने हिस्सेदारी पेश करें और हम उनका कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं। मुशर्रफ अंसारी साहब और उर्दू गगन संस्था, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ पे कि इतना नेक और पाक ये प्रोग्राम आपने अरेंज किया। सर, आपने एक गलती की, आपने एक नारी बोला, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं भी बैठी थी ना, स्टेज पे दो है ना, तो दो का जिक्र होना चाहिए था। मुझे पता नहीं मैं लिखती हूँ, अब ये गज़ल है, शेर है, कविता है, पोएट्री है, मुझे कोई तजुर्बा नहीं मुशायरे में पेश करने का, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगी पहले। ये उर्दू से प्यार, आपने सही कहा, उर्दू कोई मुसलमान नहीं है। एक मीठी सी, प्यारी सी और तहजीब वाली जबान जिसे उर्दू कहा जाता है। वैसे मेरी मातृभाषा तो मराठी है, लेकिन मैं सोचती हूँ हर एक जबान का
सम्मान होना चाहिए। और अगर मातृभाषा मराठी है तो बाकी सारी जो जबाने हैं वो मेरी मासी है। और एक कहावत है मराठी में बोलते हैं, अब मुझे पता नहीं मराठी में आप लोग कितना समझोगे, कि माय मरो आनी मावशी जगो। इसका मतलब होता है भले माँ मर जाए तो चलेगा, लेकिन मासी जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, आज एक पेश करना चाहूंगी आपके सामने। और एक इंसान एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में उसके पास सब है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ें, लोग हैं, ऐशो आराम है, लेकिन आजकल सुकून नहीं मिलता, सुकून कहीं नहीं मिलता। और उस सुकून के ढूंढने पर वो इतना मायूस हो जाता है कि जो उसके दिल से निकलता है, बस पेश करने की कोशिश की है। और ऐसे नहीं है कि ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा है, ये आम सारी लोगों के साथ। इसका नाम है कल मैंने। कल मैंने, कल मैंने अपने घर को गौर से देखा, कल मैंने अपने घर को गौर से देखा, कुछ कुछ खाली सा कुछ भरा हुआ सा लगा, कुछ कुछ खाली सा कुछ भरा हुआ सा लगा, दीवारें दर छत तो हुई थे, दीवारें दर छत तो हुई थे, लेकिन अजनबी सा लगा। न अपनेपन की वो खुशबू थी, न अपनेपन की वो खुशबू थी, न दीवारों में वो गर्माहट, न दीवारों में वो गर्माहट, छत भी वैसे तो मजबूत थी, छत भी वैसे तो मजबूत थी, पर खोखली सी लगी, पर खोखली सी लगी। नकलीपन था हरेक की हंसी में, नकलीपन था हरेक की हंसी में, किरदार निभाने की कोशिश थी, नकलीपन था हरेक की खुशी में, किरदार निभाने की कोशिश की थी। सभी वैसे तो अपने ही थे, सभी वैसे तो अपने ही थे, लेकिन हाव भाव पराया सा, हाव भाव पराया सा। क्यों कोई हरदम जताते हैं, क्यों कोई हरदम जताते हैं कि वो हमारे करीबी है, क्यों कोई हरदम जताते हैं कि वो हमारे करीबी है। अपनापन करीबी नापी नहीं जाती, अपनापन करीबी नापी नहीं जाती, वो अपने आप छलकती है, वो अपने आप छलकती। बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़े तोहफे, मीठी मीठी बोली क्या किसी को जीत पाती है। बड़े बड़े तोहफे, मीठी मीठी बोली क्या किसी को जीत पाती है, पर सारा बाजार यहाँ पे उसी का था, सारा बाजार यहाँ पे उसी का था। इसे देख जिंदगी थम सी गई है, इसे देख जिंदगी थम सी गई है, हार भी महसूस हो रही है, हार भी महसूस हो रही है। सामने घना अंधेरा है, सामने घना अंधेरा है, और आज भी पिघल रही है, आज भी पिघल रही है। निकल पड़े थे राह पर, निकल पड़े थे राह पर, हिम्मत का हाथ थाम कर, निकल पड़े थे राह पर, हिम्मत का हाथ थाम कर, वो भी टूट सी गई है, वो भी टूट सी गई है, पराया लगने लगा है घर, पराया लगने लगा है घर। तमाम उम्र गुजर गई, तमाम उम्र गुजर गई, जिसे संवारने की कोशिश में,
तमाम उम्र गुजर गई जिसे सवारने की कोशिश में अपना नहीं लग रहा है, अपना नहीं लग रहा है, वही मेरा घर और दर, वही मेरा घर और दर। क्या करे कैसे बचे, क्या करे कैसे बचाए बचे, कैसे बचाए मेरे मासूम से, मेरे पैरे से आशियाने को। क्या करे कैसे बचे, कैसे बचाए मासूम से मेरे प्यारे से मेरे आशियाने को। अब बस रहम आए, अब बस रहम आए मुझ पे मेरे खुदा को, मुझ पे मेरे खुदा। क्या बात है, क्या कहने। बस जाते जाते एक मुझे पता नहीं वो शेर है क्या है क्या है, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी इस मुशायरे के लिए। मैं नागपुर में थी, सुबह तक अधिवेशन चल रहा था और सिर्फ इस मुशायरे के लिए आज मैं सुबह की फ्लाइट लेके आई हूँ। तो मैं आपकी बहन लगती हूँ सर, मैं आपकी बहन लगती हूँ। आप भी फ्लाइट लेके आए, मैं भी फ्लाइट लेके आए। बस एक ये शेर है या क्या है आप समझ लो, पसंद आए तो दिल से लगा लो वरना छोड़ दो। कि हमने बहुत कुछ देखा, हमने सर अगर इजाजत है तो ये पढ़ लो। मैडम आपने माहौल बना दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब कोविड से गुजरे, हमने कोविड का मंजर देखा, कोविड का कहर देखा, कोविड का कहर देखा। उसमें से न गरीब बचा है न पैसे वाला बचा है। तो बस इस कोविड के माहौल में निकली हुई दिल से ये आवाज थी जो आपके सामने पेश करती हूँ। इसका नाम है हमने बहुत कुछ देखा। हमने बहुत कुछ देखा, हमने आंखों का रंग बदलते देखा, हमने आंखों का रंग बदलते देखा, चेहरों का नूर बदलते देखा, चेहरों का नूर बदलते देखा, चाहत का सुरूर बदलते देखा, चाहत का सुरूर बदलते देखा, तो अपने को दूर होते देखा, अपनों को दूर होते देखा, खुद पे मगरूर होते देखा, खुद पे मगरूर होते देखा, इंसानियत को चूर होते देखा, इंसानियत को चूर होते देखा, पल में तोला तो पल में माशा होते देखा, पल में तोला तो पल में माशा होते देखा, पैसे वाले को भीख मांगते देखा, पैसे वाले को भीख मांगते देखा, तो गरीब को मदमस्त होते देखा, गरीब को मदमस्त होते देखा, पुराने को नया होते देखा, पुराने को नया होते देखा, तो नए को गुजरते हुए देखा, नए को गुजरते हुए देखा, दिल को पत्थर बनते देखा, दिल को पत्थर बनते देखा, तो पत्थर को पिघलते हुए भी देखा, पत्थर को पिघलते हुए भी देखा, हुस्न को बर्बाद होते देखा, हुस्न को बर्बाद होते देखा, तो इश्क को नाकाम होते भी देखा, इश्क को नाकाम, जिंदगी को हारते हुए देखा, जिंदगी को हारते हुए देखा, मौत को जीतते हुए देखा, मौत को जीतते हुए देखा, आसमां को जमीन पे देखा, आसमां को जमीन पे देखा, तो जमीन को रोंगते हुए भी देखा, जमीन को रोंगते हुए भी देखा, सब कुछ पाते हुए देखा, सब कुछ पाते हुए देखा, पाकर खोते हुए देखा, पाकर खोते हुए देखा, झिलमिल सितारों को देखा, झिलमिल सितारों को देखा, तो टूटते तारों को भी देखा, तो टूट को तारों को देखा, जहां को बसते हुए देखा, जहां को बसते हुए देखा, तो कायनात उजड़ते हुए भी देखा, कायनात उजड़ते हुए देखा,
उस पार की कुदरत को देखा, उस पार की कुदरत को देखा तो इस पार की हकीकत को भी देखा, इस पार की हकीकत को भी देखा। न जाने क्या क्या देखा, न जाने क्या क्या देखा कि अब देखने की कोई चाह ही नहीं, अब देखने की कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा, हमने बहुत कुछ देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नॉन उर्दू हूँ, लेकिन अगर कुछ गलती हुई होगी अनजाने में तो सभी आप बड़े बड़े हो तो आपसे माफ़ी चाहूँगी। और मुशीर भाई, ऐसे ही आप अगर मुशायरे रखेंगे तो एक दिन मेरा बुक छपेगा। थैंक यू, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो हमारे लिए आई, और आपने खिलाफत हाउस में पढ़ा था, मैंने बहुत सारे इसमें शोरा है जो मौजूद है जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और वहाँ मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने मुशायरे में आपको बड़े मुशायरे में बुलाऊंगा। आज आप बताओ शायरा जो है शहर में इंट्रोड्यूस हो गई। शुक्रिया।